जय श्री राम। मैं पवन यादव अयोध्या से। अभी हम खड़े हुए हैं अयोध्या के रिवर फ्रंट पे और इस रिवर फ्रंट को अब नाम दे दिया गया है लक्ष्मण पथ का। और आज हम आपको दिखाते हैं अयोध्या का लक्ष्मण पथ कितना बना हुआ है, कैसे क्या हुआ है, जैसा भी पूरा अपडेट रहेगा मैं आपको देता हूँ। अभी आप देखोगे ये रिवर फ्रंट है, इधर साइड ये लक्ष्मण घाट आप देख सकते हो, और लक्ष्मण घाट और ये ओवर ब्रिज जो सरयू नदी ओवर ब्रिज है ये आप देखोगे तो यहाँ पर अभी नदी काफ़ी ज़्यादा सूख गई है। देखेंगे इधर साइड ये हवन वगैरह प्राण प्रतिष्ठा की वजह से यहाँ पर हवन का भी हवन वगैरह भी किए गए थे, हर जो है बाबा के अलग अलग जगह पे बनाए गए थे। आपने देखा होगा नेपाली बाबा ने भी बनवाया था जो कि बालू घाट पर बनवाया था। इधर साइड ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये जो सीढ़ियाँ बन रही हैं ये इसको अपडेट किए जा रहे हैं क्योंकि बहुत ही पुराना भी हो गया था और कहीं कहीं पर टूट भी गए थे, तो इस वजह से ये आप देखोगे किस तरीके से पूरे नए बनाए जा रहे हैं इधर साइड में भी। और ये लक्ष्मण पथ है, सॉरी ये लक्ष्मण घाट के पास अभी हम हैं और लक्ष्मण घाट के इधर साइड भी देखेंगे, दिख रहे हैं ना ये घाट है और यहाँ पर स्वर्ग घाट जहाँ पर महाआरती होती है और यहाँ पर जो है रामपैड़ी का जो पंप हाउस है उधर साइड में। इधर साइड ये आप देखिए पूरा किस तरीके से निर्माण जो है यहाँ पर चल रहे हैं, ये इधर सामने आप जो देख रहे हैं ये है लक्ष्मण किला। तो यहाँ पर आप अयोध्या आते हैं इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा हवा चलती है क्योंकि नदी का किनारा है, नदी किनारे पे बहुत ज़्यादा हवा का वो रहता है, प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहती है। और सामने ही आप जो है लक्ष्मण किला का दर्शन भी कर सकते हैं और यहीं से हम शुरू करते हैं लक्ष्मण पथ। अभी कैसे क्या है आपने देखा, यहाँ पर भी बहुत सारे डिस्टर्बेंस हुए हैं, सीढ़ियाँ या जो पत्थर लगे थे इसको फिर से निकाले जा रहे हैं इधर साइड में, ये देखिए। तो हम यहाँ से चलते हैं, अपनी जर्नी शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं, अगर सही रहेगा तो ड्रोन शॉट भी लेंगे, ठीक है भाई। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप जानते हो अयोध्या ना ये बहुत ऊंचाई पे बने हुए हैं, आप देखोगे उधर गोंडा बहराइच ये इधर क्षेत्र में पड़ता है नवाबगंज, और ये ओवर ब्रिज, इसके बाद आप देखोगे यहाँ का जो क्षेत्र है अयोध्या का काफ़ी ऊँचाई पर पूरी अयोध्या बसी हुई है, ये बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, अलग ही फीलिंग आती है भाई। अगर इस जगह पे आते हो आप स्वर्ग घाट के थोड़ा से आगे आओगे तो आपको यही सब देखने को मिलेगा अयोध्या में। ये पूरा रिवर फ्रंट आप देखो, इसको लक्ष्मण पथ के नाम से जाना जाता है। और भाई यहाँ पर धूल आप देखोगे ना, सरयू नदी सूख गई है ना, इस वजह से बहुत ज़्यादा धूल उड़ रहा है। तो यहाँ से पहले चलते हैं भाई, नहीं तो हेलमेट में हल जाएगा। यहाँ से पुरानी अयोध्या को देख, अगर आपको देखना है पुरानी अयोध्या तो आप अंदर एंट्री कर सकते हो, इसमें ही पुराने आपको धरोहर बहुत ही पुराने पुराने ऐसे घर हैं, भवन हैं वो आपको दिखेंगे, महल हैं वो भी दिखेंगे। तो आज हम वो नहीं दिखाते हैं, आज हम सीधे आपको रिवर फ्रंट लेकर चलते हैं। यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी निर्माण किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ना कोई भी जो है सुरक्षा के लिए कुछ ऐसा बैरिकेडिंग वगैरह नहीं किए गए हैं। चल जाएगा इधर, ये देखो कुछ इस तरीके से बना रहे हैं इसको, और ये आने वाले टाइम पे ये चौड़ी होगी और धूल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उड़ रहा है भाई। देखो जहाँ पर आप देख रहे हो ना किस तरीके से रिवर फ्रंट को उधर आगे बढ़ाया जा रहा है, देखिए इसी तरीके से ना ये पूरा निर्माण यहाँ पर चल रहा है। इधर ये आप देखोगे यहाँ पर भी बन रहा पूरा, ये देखो पूरा रिवर फ्रंट है फिर से उसका निर्माण अच्छे तरीके से किए जा रहा है, और आने वाले टाइम पे पूरा चौड़ीकरण इसका हो भी जाएगा। यहाँ पर आपको वॉशरूम दिख जाते हैं जगह जगह पे, तो अगर आप अयोध्या आते हैं तो वॉशरूम का यूज़ ज़रूर करें। देखिए पूरी नदी इधर सूख गई है और यहाँ पर अभी खेती वगैरह हो रहा है, इधर हमारे राइट हैंड साइड आप देख सकते हो पूरा ये रिवर फ्रंट, और यहाँ पर भी गड्ढे देखेंगे कुछ इस तरीके से हो रहे हैं। बहुत भाई कमेंट कर रहे थे कि आप लक्ष्मण पथ का अपडेट दीजिए, तो ये लक्ष्मण पथ ही है अब जो कि जो है 10 से 11 किलोमीटर पूरा निर्माण किया जाएगा अयोध्या नए घाट से गुप्तार घाट तक, ठीक है भाई। देखिए अभी इधर से और आगे चलते हैं, इधर भी आप देखोगे ना पूरा निर्माण चल रहे हैं, देखिए इधर में भी निर्माण चल रहा है। तो इधर साइड और चलते हैं, और भी आपको रिवर फ्रंट और ये लक्ष्मण पथ के नाम से और भी आगे हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ आपको इस लक्ष्मण पथ पे दिखता है। यहाँ पर बहुत सारे कॉलेज भी बन रहे हैं, टेंट सिटी भी आने वाले टाइम पे फिक्स
टेंट सिटी पूरा बनेगा। यानी जो टेंट सिटी यहाँ पर बनी हुई थी वो प्राण प्रतिष्ठा के वजह से बनी हुई थी, क्योंकि इतने होटल नहीं है अयोध्या में कि वो स्टे कर सकें श्रद्धालु, तो इस वजह से टेंट सिटी बना था टेम्परेरी। लेकिन अब जो टेंट सिटी बनेंगी इधर साइड क्षेत्र में भी बनेंगी, ये बाढ़ क्षेत्र में आता था जो कि अब पूरी तरीके से सिक्योर हो गया है। तो यहाँ पर आप देखोगे ना तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर देखिए बना हुआ, ये रोड RCC रोड बना हुआ है और ये एरिया पूरा देखोगे इधर प्लाटिंग वगैरह भी हो रहे हैं और ये पूरा नदी का किनारा है और इसका चौड़ीकरण और भी होगा, पथ और भी बनाया जाएगा। और ये रास्ते पे पूरा यहाँ से अयोध्या से गुप्तार घाट तक यहाँ पर आपको इस पोल देखने को मिलेगा। ये पोल जो है सोलर पोल है और इसे लाइट जलती है रात में, पूरी लाइट जलेंगी रिवर फ्रंट पे। और यहाँ पर खेती वगैरह आप देखोगे और पूरी अयोध्या जो है आपको देखने को मिलेगा यहाँ से। ये आप देख रहे हैं ना पूरी अयोध्या यहाँ से देखने को मिलेगा, वहाँ पे मैंने शुरू किया था और ऐसे करके ये ऐसे सीधे गुप्तार घाट निकालेगा। और इधर बहुत सारी बगिया वगैरह भी दिख जाती है, अच्छे लगते हैं भाई देखने में, देखो है ना, वाकई में बहुत ही प्यारा है ये एरिया। और जो बाटी वाले बाबा जी हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे आगे चल के इसी रास्ते पे। बहुत भाई नहीं आ पाते हैं बाटी वाले बाबा के पास, जहाँ पर आपको बाटी लिट्टी चोखा यानी आपको खाने को मिलेगा। और ये एरिया जो देख रहे हैं यहाँ पर भी आने वाले टाइम पे कॉलेज बनेंगे और टेंट सिटी बनेंगी। ये जहाज पे झंडा लगा हुआ है, इस जगह पर भी निर्माण पूरे तरीके से होंगे। और ये रास्ता सीधे गुप्तार घाट जा रहा है, अभी हम और आगे चलते हैं और भी आपको दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना पूरा, देखिए बाटी वाले बाबा का आश्रम जो है ये सामने है। आप लक्ष्मण किला के जो रिवर फ्रंट है वहाँ से आप सीधे आओगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से बनाया गया है और ये पूरा जंगल है, उन्हीं बाबा के आश्रम में ही पूरा ये आता है इधर साइड। और यहाँ पर निर्माण भी चल रहा है रिवर फ्रंट का, इधर आप देखोगे तो यहाँ पर रिवर फ्रंट का निर्माण भी चल रहा है, क्योंकि यहाँ बांध नहीं बना था, अब ये बांध बन जाएगा तो वो जो बाटी वाले बाबा जी हैं वो उनका आश्रम बांध के अंदर में आ जाएगा। देखो इधर आप देख रहे हैं ना जो निर्माण, देखिए किस तरीके से हो रहा है। तो आप देख रहे हो ना हमारे राइट हैंड साइड में किस तरीके से रिवर फ्रंट का काम हो रहा है और ये बांध वगैरह बनाया जा रहा है। यहाँ पर भी कुछ नया बन रहा है, जैसा होगा मैं डे टू डे यानी कुछ कुछ दिनों में अपडेट देता रहूँगा यहाँ पर। और आप ये रिवर फ्रंट देख रहे हो ना कैसा दिख रहा है, कितना लंबा ये भाई रास्ता है। और यहाँ से श्री राम मंदिर भी दिखता है, इधर देखेंगे आप किस तरीके से श्री राम मंदिर भी दिख रहा है। आप देखो किस तरीके से घेरे गए हैं, यहाँ पर बहुत सारे निर्माण भी चल रहे हैं, आगे चल के एक कॉलेज और बन रहा है। और इधर साइड में भी देखेंगे किस तरीके से पूरी घेरे गए हैं प्रॉपर्टी। और हमारे राइट हैंड साइड जो आप देखोगे ये पूरा रिवर है, ये सरयू नदी में आता है। इधर अगर कोई ज़मीन बेचता है या आपको कुछ भी झांसा देता है तो आप जरूर मत लीजिएगा इधर साइड में, हमारे राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में भी बहुत ज़्यादा रिस्क है, कब सरकार ले ले कोई पता नहीं है। तो इस वजह से भाई मैं तो कहूँगा ये क्षेत्र छोड़ के ही लें ज़मीनें, अगर आप सेटिस्फाई हैं तभी आप लें। देखो अभी ये पूरी ग्रामीण एरिया ही है, भैंस अगर आप देख रहे हो। और यहाँ से जो है गुप्तार घाट 5 किलोमीटर है, आपको 5 किलोमीटर गुप्तार घाट में ले आएगा देखने को। और यहाँ से जो है आप रिवर फ्रंट होते हुए लक्ष्मण पथ होते हुए सीधे आप गुप्तार घाट जो है जा सकते हैं। छोटे छोटे पता नहीं क्या बोए हुए हैं, इधर आपको तालाब वगैरह भी दिख जाते हैं, मछली पालन वगैरह भी होता है। इधर साइड में भी एक कॉलेज बन रहा है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखोगे तो इधर साइड में भी बहुत सारे प्लांटिंग वगैरह किए गए हैं, यानी प्लांटिंग किए गए हैं इधर साइड, ये देखिए। और रिवर फ्रंट अभी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है, पतला है, आने वाले टाइम पे ये जब लक्ष्मण पथ बनेगा पूरा तो ये चौड़ीकरण इसका ज़्यादा हो जाएगा, चौड़ा ज़्यादा हो जाएगा ये पूरा। ये देखिए गुप्तार घाट यहाँ से 4 किलोमीटर। और इस एरिया में भी कुछ बन रहा है, आपको दिखाते हैं। ये देखो हवा अगर आ रही होगी तो वीडियो में भाई तो माफ़ करना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा जो है वो चल रहा है। देखिए इधर साइड आप पूरा एरिया देख रहे हो ना, पूरी यहाँ पर बड़े बड़े ज़मीनें जो हैं ली गई हैं, ये रास्ता बनाया गया, ये कॉलेज बन रहा है यहाँ पर एक,
यहाँ पर मे भी कोई कॉलेज बन रहा है और बहुत ही बड़ा कैंपस है इसका। और इधर साइड आप पूरी नदी देख सकते हो कितना दूर दूर तक सूखा हुआ है। और ये लैंप की मैं बात कर रहा था, आप लैंप देखो कैसे लाइन से पूरी लगी हुई है यहाँ से गुप्तार घाट तक। तो बताना है आपको ये वीडियो कैसी लगी इस लक्ष्मण पथ का जिसका निर्माण अभी चल रहा है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब के लिए जय श्री राम, जय अयोध्या धाम।